गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 4 इन इंग्लिश लैंग्वेज बुक, दैट इज नाउंस केस. सो डू यू नो अबाउट केस? दिस चैप्टर इज अबाउट केस ऑफ अ नाउन. सो लेट मी स्टार्ट. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द केस ऑफ अ नाउन. द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजिशन ऑफ दैट नाउन इन द सेंटेंसेस. सो आई होप यू गॉट इट. केस ऑफ अ नाउन जो होता है वो हमें एक पोजीशन बताता है नाउन की एक सेंटेंस में, कि एक सेंटेंस में नाउन की क्या पोजीशन है. लाइक रीड दी सेंटेंसेज, नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स. नेहा सेंग अ सॉन्ग. यहाँ नाउन की क्या पोजीशन है एक सेंटेंस में, कि नेहा ने गाना गाया. क्रिश स्कोर्ड अ सेंचुरी. इन द फर्स्ट सेंटेंस नेहा इज द सब्जेक्ट. नेहा यहाँ सब्जेक्ट है. दिस सेंटेंस आंसर दिस क्वेश्चन, हु सेंग अ सॉन्ग. और ये किसका आंसर मिलता है इस समय, कि कौन गाना गाता है. द प्रेडिकेट इज सेंग अ सॉन्ग, और प्रेडिकेट इसमें है कि सेंग अ सॉन्ग एक गाना गाया. सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट एज यू नो, एज इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डिड नेहा सिंग, कि नेहा ने क्या गाया. इन द सेकंड सेंटेंस क्रिश इज अ सब्जेक्ट. क्रिश सब्जेक्ट है. दिस सेंटेंस आंसर द क्वेश्चन हु स्कोर्ड अ सेंचुरी. सेंचुरी किसने स्कोर्ड की, इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिश स्कोर्ड अ सेंचुरी. द प्रेडिकेट इज स्कोर्ड अ सेंचुरी. सेंचुरी इज अ ऑब्जेक्ट एज इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डिड क्रिश स्कोर्ड, और ये इसका आंसर है कि क्रिश ने क्या स्कोर किया. ओके, सो यहाँ इन दोनों की पोजिशन हमें बताई गई है. उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ केसेस. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस. When a noun is used as a subject of a verb, it is said to be nominative case. Okay? So when a noun is used as a subject, जब noun एक subject की तरह से use की जाती है एक verb की, उसको nominative subject कहते हैं. For example, to find the nominative, ask what or who before the verb. ये इनसे पहले verb से पहले आते हैं. Second is objective case. When a noun is used as a object of a verb, जब एक noun एक object की तरह से use की जाती है, it is said to be in the objective or accusative case. To find the accusative, ask whom or what before the verb and its object. जैसे हमने भी इन दोनों examples में पढ़ा था कि इनके क्या क्या question बन रहे थे, same उसी तरीके से ये subject का question है कि किसने गाना गाया और किसने score किया, century किसने score की. same इसी तरीके से nominative case में ये आते हैं, objective case में हमारे last one आते हैं. Example, the dog is in the kennel. Here the noun kennel is accusative case as it is governed by the prepositions. And third we have possessive case. Possessive आपको समझ में आ रहा होगा, possession जिसमें होती है. Like this is Rita's house. ये house Rita का है, तो इसकी possession किसके पास है, Rita के पास. The apostrophe shows ownership or possession of an object. The noun Rita's is therefore said to be possessive or gentle noun. तो यहाँ रीताज क्या हो गया, ये इसकी पजेसिव नाउन हो गई. यर यू हैव गिवन एक्सरसाइज दैट यू हैव टू फिल इन योर बुक्स.